राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से एक ड्रेस लेकर आई हूँ ठाकुर जी की। सबसे पहले मैं आप सबका अपने चैनल पर वेलकम करना चाहूंगी, तो वेलकम टू माय चैनल। अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी ड्रेसेस की नोटिफिकेशन आपके पास जा सके सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं हम आज क्या ड्रेस बनाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज ये बहुत ही प्यारी और बहुत ही डिफरेंट ठाकुर जी की ड्रेस मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ, जो कि स्पैरो बनी हुई है। इन सब ड्रेसेस पर देखिए, इस ड्रेस पर बॉर्डर में मैंने स्पैरोज बनाई हैं और मैंने यहाँ पर मल्टी कलर वूल का यूज किया है। यहाँ पर मैंने आईज बनाने के लिए ब्लैक स्टोन्स यूज किए हैं, जो मैंने पेस्टिंग पर्ल से पेस्ट किए हैं। ये वाले हाफ पर्ल्स, जो ये पेस्टिंग पर्ल्स मार्केट में मिलते हैं किसी भी स्टेशनरी शॉप पर, इस तरह से पैकेट में आते हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पर एवरी कलर में अवेलेबल हो जाते हैं, आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये वाली वूल मैंने इसमें यूज की है, एक मल्टी कलर वूल और एक फिरोजी कलर की वूल। और मैंने इसमें यूज किया है 2.50 mm का क्रोशेट। तो फ्रेंड्स, ये ड्रेस कुछ इस तरह से दिख रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इस ड्रेस को बनाने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ड्रेस को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 नंबर ठाकुर जी की चोली बना ली है और घेरा बना लिया है। घेरा जो है वो मैंने अपनी ब्लू क्रोशेट ड्रेस में बताया हुआ है। जैसे मैंने ब्लू क्रोशेट ड्रेस में आपको घेरा बनाना बताया था, उसी तरीके से मैंने यहाँ पर घेरा बनाकर 7 राउंड्स बना लिए हैं। ब्लू क्रोशेट ड्रेस का जो लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ जाकर आप जो है घेरा वहाँ से देखकर बना सकते हैं। ये जो घेरा है वो ऐसे कली में बनाया है मैंने, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह का घेरा मैंने यहाँ पर बनाया है। आप चाहें तो घेरा जो है वो प्लेन नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो अब आगे मैं इसमें आपको डिज़ाइन बनाना बताऊंगी कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेरा जो घेरा और चोली थी वो बना ली, 7 राउंड्स मैंने घेरे के बना लिए हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो है फिरोजी कलर के थ्रेड को ऐड करूँगी। देखिए, मैं ये फिरोजी कलर सेकेंड कलर यूज़ कर रही हूँ इसमें। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ से अभी हमने कट किया वहाँ पर सबसे पहले फिरोजी कलर को ज्वाइन कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया से मैंने यहाँ पर फिरोजी कलर को ज्वाइन कर लिया है और जो ये वाला हमारा फिरोजी कलर का एक्स्ट्रा थ्रेड है, इसे हम पीछे की तरफ एडजस्ट कर देंगे साथ साथ। अब हम यहाँ पर 1, 2 और 3 चेन्स बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में चेन स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, 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 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने यहाँ पर आ गए हैं जहाँ पर हमारा एक चेन वाला ब्लॉक आता है। इसमें हम यहाँ पर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 टाइम एंड एक बार और सेम इसी ब्लॉक में डबल क्रोशिया बनाएंगे। और एवरी चेन में फिर से एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट वाले ब्लॉक पर। और ब्लॉक में आने के बाद हम यहाँ पर 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे एवरी चेन में, एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और जो ये हमारा एक चेन वाला ब्लॉक आएगा, जो ये हमारा एक चेन वाला ब्लॉक आ गया है, इसमें हम 2 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से बनाते हुए हम अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इस तरह से इस राउंड को हम कंप्लीट कर लेंगे और अपने राउंड के एंड में आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये वाला राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है और मैं राउंड के एंड में आ गई। एंड में आकर मैंने जो यहाँ 3 चेन्स बनाए थे, उसकी 3rd चेन में मैंने यहाँ स्लिप नॉट से इसे कनेक्ट कर लिया है।
अब हम आगे बर्ड्स बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए बर्ड्स बनाना स्टार्ट करेंगे, हमें बर्ड्स जो है वो इसी सेम कलर से बनाना है। तो मैंने यहाँ पर स्काई ब्लू कलर का थ्रेड जो है उसे कट नहीं किया है। और अब हम यहाँ पर 1, 2 एंड 3 चेन्स बना लेंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद हम यहाँ पर देखिए इस कली में मेरे पास टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डबल क्रोशियाज हैं। तो मुझे इन 8 का यूज करना है सबसे पहले, ताकि मैं अपनी जो फर्स्ट बर्ड है वो इसी एक कली में बना पाऊँ। तो इसीलिए उसके लिए हमें क्या करना है, हम डिवाइड करेंगे, हमें एक यहाँ से और एक यहाँ से स्किप करना है, और बीच में जो हमारे ये टोटल 6 हैं इन 6 में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 चेन्स ले लिए और नेक्स्ट वाली चेन स्टिच में जाकर मैं इसे एक सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दूंगी। और उसके बाद यहाँ पर मैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चेन्स बनाऊंगी। 6 चेन्स बनाने के बाद मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 वाले में जाकर इसे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना के कनेक्ट कर दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाऊंगी। 3 चेन्स बनाने के बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा चेन स्टिच है इसमें इसे कनेक्ट कर दूंगी सिंगल क्रोशिया बना के। तो ये हमारे 3 ब्लॉक्स बन गए, फर्स्ट ब्लॉक ये, सेकंड ब्लॉक ये और थर्ड ब्लॉक ये। इस तरह से हमारे ये 3 ब्लॉक्स बन गए। अब हमने क्या करना है, अपने वर्क को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे, और टर्न करने के बाद हम यहाँ पर इस वाला जो हमारा फर्स्ट ब्लॉक है इसे हम इसमें हम कुछ भी नहीं बनाएंगे। जो हमारा ये सेकंड वाला ब्लॉक है, जो हमारा ये 6 चेन्स वाला ब्लॉक है, इसके अंदर हम 10 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये मैंने यहाँ 10 टाइम्स डबल क्रोशियस बना लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारा ये यहाँ पर 3 चेन्स थे, यहाँ पर जो हमारा 3 चेन्स वाला एक ब्लॉक है, इसमें जो हमारी ये थर्ड वाली चेन है इसमें जाकर हम यहाँ पर इसे एक बार सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से कनेक्ट कर दिया मैंने ये। अब हमें क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4। 4 चेन्स बनाने के बाद हम अपने वर्क को इस तरह से टर्न कर लेंगे और सीधे हो जाएंगे, सीधा अपना ड्रेस को सीधा लेके आएंगे और लूप लेंगे। और जो नेक्स्ट वाला हमारा चेन स्टिच है, देखिए जो हमारा ये फर्स्ट चेन स्टिच है इसमें जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से लूप लेंगे और 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद ये और ये, इन दोनों के बीच में जो ये ब्लॉक दिख रहा है, इसमें से जाते हुए हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे। और अब जो ये दोनों ब्लॉक्स के बीच, दोनों डबल क्रोशियाज के बीच में जो ये ब्लॉक दिख रहा है, इसमें से जाकर नीचे से अपने थ्रेड को पकड़ के लाएंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे और जो हमारा इन दोनों के बीच का जो ये ब्लॉक है इसमें से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद ये जो ब्लॉक है इसमें से जाएंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा वर्क कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 1, 2, 3, 4 टाइम्स बन गया है। हम नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, सेम मेथड से हम यहाँ पर भी डबल क्रोशिया बनाकर उसके ऊपर 4 चेन्स बनाएंगे और जो ये हमारा ब्लॉक है इसमें से एक बार जाकर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, सेम मेथड से 1, 2, 3, 4 बनाने के बाद जो ये हमारा ब्लॉक है इसके बीच में से हम इस तरह से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो ये वर्क हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अब हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स हम ये जो डिज़ाइन है ये बना चुके हैं। अब हमें यहाँ पे आगे डिज़ाइन नहीं बनाना है। अब हमें आगे क्या बनाना है, लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे,
डबल क्रोशिया, एक चेन लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशिया, वन चेन बनाएंगे, वन चेन बनाएंगे, लूप लेंगे और जो हमारा लास्ट वाला है इसमें भी जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अभी यहाँ पर लास्ट में हमें एक चेन नहीं बनानी है। तो यहाँ पर यहाँ तक हमारा आपको समझ, मेरा बताने का मेथड आपको समझ में आ गया जहाँ तक मैंने अभी बताया आपको। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद हम सब क्या करेंगे, जो ये हमारा ये और ये टू चेन स्टिच जो हमारे इस एक चेन के अंदर जो हमारे यहाँ पर टू डबल क्रोशियाज थे इसमें से जाएंगे और जो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड वाले में जाकर हम यहाँ पर इसे एक सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, वन टू एंड थ्री हम चेन्स बनाएंगे। देखिए यहाँ मैंने थ्री चेन्स बना ली और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में जाएंगे, नेक्स्ट में जाकर फिर से एक सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे इस तरह से कुछ बन जाएगा, टू ब्लॉक्स बन गए इसी तरह से कुछ। अब हमने क्या करना है, अपने वर्क को हम इस तरह से टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद देखिए जो हमारे ये वाले वन टू थ्री फोर, फोर जो डबल क्रोशियाज थे हमारे यहाँ पर, अब हमने क्या करना है, इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और जो इनके, जो इसके बीच में हमने चेन बनाई थी इस पे भी हमने डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए कैसे लूप लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, लूप लेंगे और जो इन इन दोनों डबल क्रोशियाज के बीच में एक चेन है इस पे भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से लूप लेंगे, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो हमारा इनके बीच में स्पेस है लूप लेके हम इसके बीच में भी एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से इसमें भी बनाएंगे और सेंटर में वन चेन वाला जो स्पेस है इसमें भी बनाएंगे और सबसे ऊपर जो ये हमारा है इसमें भी। इस वाले में हमने नहीं बनाना है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फाइव चेन्स बनाएंगे। फाइव चेन्स बनाने के बाद हम यहाँ पर इसे जैसे हम पर्ल स्टिच बनाते हैं ये दोनों स्टिचेस को उठाकर और इसके अंदर से निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया से इसे कनेक्ट करेंगे इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पर वन टू एंड थ्री, थ्री चेन्स बनाएंगे और उसके बाद जो हमारा ये वाला नेक्स्ट वाला स्टिच था इसके अंदर इस डबल क्रोशिया के ऊपर से हम इसे एक बार सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, अपने वर्क को हम टर्न कर लेंगे। टर्न करने के बाद अब हम यहाँ पर लूप लेंगे और जो ये हमारा पर्ल स्टिच के बीच में एक सर्कल सा बना है इसके अंदर हम यहाँ पर सिक्स टाइम डबल क्रोशियाज बनाएंगे। ये हम बर्ड का माउथ बना रहे हैं, तो ये हमारा वन टाइम हो गया, ये अब सेकेंड टाइम हो गया, ये थ्री फोर फाइव एंड ये सिक्स, सिक्स टाइम्स मैंने इसमें डबल क्रोशिया बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर वन टू थ्री एंड फोर, फोर टाइम्स हम यहाँ पर चेन बनाएंगे और जो ये हमारी फोर्थ चेन है, फोर्थ वाली जो चेन है इसमें से जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया से इसे ज्वाइन करेंगे और उसके बाद हम फिर से जो यहाँ पर हमारे टू स्टिचेस होते हैं जिसे हम पर्ल स्टिच बनाते हैं, ध्यान से देखिए जो हमारा फोर्थ चेन स्टिच था इसमें मैंने एक बार सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर लिया और उसके बाद जो हम पर्ल स्टिच बनाते हैं तो हमारे टू चेन्स नीचे आते हैं, इनमें से भी निकालते हुए मैं इसे यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दूंगी और उसके बाद मैं लूप लूंगी और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा सर्कल था इसके अंदर वापस से फोर टाइम्स डबल क्रोशिया बनाऊंगी। मेरा वन टाइम हो गया, टू टाइम हो गया, थ्री एंड ये हमारा फोर टाइम हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा माउथ बन गया, बर्ड का ये माउथ बन गया, ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमने क्या करना है, अपने वर्क को हम यहाँ नीचे लेकर आएंगे। तो जो ये हमारे जो स्टिचेज हैं इनमें हम एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया, ये भी हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया, एक और बार सिंगल क्रोशिया हो गया। देखिए फ्रेंड्स, अब हम अपने वर्क के एंड में आ गए हैं। यहाँ नीचे
देखिए इसमें इसमें हमने एक बार फिर सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये जो हमारा एक ब्लॉक था इसमें सिंगल क्रोशिया बनाया, और जो ये हमारा यहाँ पर ज्वाइन हुआ था यहाँ पर भी एक बार मैंने सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो ये इस तरह से कुछ बर्ड मेरा वन एक बर्ड जो मेरा बनकर रेडी हो गया है, देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट बर्ड जो है वो बनाएंगे। मैं आपको एक बार बर्ड बनाना फिर से बताऊंगी कि बर्ड कैसे बनाना है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैं एक बार आपको फिर से बर्ड बनाना बताऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट बर्ड बनाना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पर मैंने कनेक्ट किया यहाँ पर मैं 1, 2 एंड 3 चेन्स ले लूँगी, और उसके बाद मैं नेक्स्ट वाली चेन स्टिच में इसे एक सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दूँगी। इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 चेन्स बनाऊँगी, और उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो हमारी चेन है ये हमारी 6 चेन आई, इसके अंदर जाकर इसे सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर दूंगी। और उसके बाद फिर से 1, 2 एंड 3 चेन्स बनाएंगे और नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में जाकर इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और अपने वर्क को मैं इसमें टर्न कर लूंगी, और जो हमारे यहाँ 3 ब्लॉक्स बने हैं उसका जो सेंटर वाला ब्लॉक है इसमें जाकर मैं यहाँ पर 10 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 10 टाइम्स डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो मेरा ये वाला ब्लॉक है फर्स्ट वाला ब्लॉक, इसके थर्ड वाले चेन में जाकर जो यहाँ पे इसका फर्स्ट वाला चेन हो गया, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा थर्ड वाला चेन हो जाएगा। यहाँ पर इसे मैं एक बार एक सिंगल क्रोशिया बनाकर कनेक्ट कर दूंगी, और उसके बाद यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 चेन बनाकर मैं अपने वर्क को टर्न कर लूंगी। अपने वर्क को टर्न करने के बाद यहाँ पर जो है ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स बनाएंगे। 4 चेन्स बनाने के बाद जो ये हम इन दोनों ये दोनों जो डबल क्रोशियाज हैं, ये डबल क्रोशिया जो ये 4 चेन्स का डबल क्रोशिया है, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसमें से निकालते हुए हम एक बार सिंगल क्रोशिया बना के इसे कनेक्ट कर देंगे। लूप लेके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे। नेक्स्ट चेन स्टिच में फिर से हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 चेन्स बनाएंगे, और ये जो दोनों के बीच में ब्लॉक है इसमें से एक बार सिंगल क्रोशिया बना के कनेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे और एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और 1, 2, 3 एंड 4 चेन्स बनाकर इन दोनों ब्लॉक में से कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे 3 टाइम्स बन गए हैं, हम 3 टाइम्स इन्हें और बना लेंगे तो ये हमारा 6 टाइम्स हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 टाइम्स हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 चेन बनाएंगे, फिर लूप लेंगे, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशिया, 1 चेन, नेक्स्ट चेन स्टिच में जाएंगे, डबल क्रोशिया एंड 1 चेन बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पर 1 चेन लास्ट में आके हमें नहीं बनानी है 1 चेन। तो यहाँ तक हमारा डिज़ाइन बन गया है। अब हमने क्या करना है, जो ये हमारे 2 चेन जो हमारे 2 डबल क्रोशियाज ये आते हैं जो हमारे 1 चेन के अंदर बने थे 1 एंड 2, ये सेकंड वाले में हम इसे एक बार सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देंगे, और उसके बाद 1, 2 एंड 3 चेन्स लेंगे, और यहाँ पर 1 चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन स्टिच में जाकर इसे कनेक्ट कर देंगे इस तरह से। और अपने वर्क को हम कुछ इस तरह से टर्न कर लेंगे।
टर्न करने के बाद अब हमने यहाँ लूप लेना है और जो है हमारे डबल क्रोशियाज हैं फोर, इनके डबल क्रोशिया पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है और जो वन चेन है इस पे भी हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा फोर की जगह यहाँ पर हमारे एट हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ फोर की जगह पे हमारे सिक्स हो जाएंगे क्योंकि लास्ट वाले में हम नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिक्स टाइम्स चेन बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सॉरी यहाँ फाइव चेन्स बनाएंगे हम। फाइव चेन्स बनाने के बाद हम यहाँ पर एक पर्ल स्टिच बनाएंगे, जैसे हम यहाँ पर टू चेन्स लेते हैं इन्हें पिक करके और यहाँ पर एक चेन स्टिच एक सिंगल क्रोशिया से इन्हें कनेक्ट करते हैं, ये पर्ल स्टिच बन जाता है हमारा। और उसके बाद हम यहाँ पर जो हमने ये लास्ट वाला अपना डबल क्रोशिया छोड़ा था इसे हम यहाँ पर इसे सिंगल क्रोशिया से कनेक्ट कर देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर यहाँ से अपना वर्क हम टर्न कर लेते हैं। टर्न करने के बाद हम यहाँ से लूप लेंगे और जो ये हमारा पर्ल स्टिच बना था इसके बीच वाले जो हमारे सर्कल था इसमें हम सिक्स टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। सिक्स टाइम डबल क्रोशियाज बनाने के बाद हम यहाँ पर फोर चेन्स बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर चेन्स बनाने के बाद जो हमारी ये फोर्थ वाली चेन है इसमें से क्रोशियाज निकालते हुए यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो ये वन एंड टू टू चेन्स होती हैं नीचे जो जिसे हम पर्ल स्टिच बनाते हैं यहाँ से भी निकालते हुए हम एक बार यहाँ पर पर्ल स्टिच बना लेंगे। तो ये इस तरह से कुछ बन जाएगा। उसके बाद लूप लेंगे और इसी सर्कल में वापस आ जाएंगे जिस सर्कल में हम अभी डबल क्रोशियाज बना रहे थे। तो यहाँ पर फोर डबल क्रोशियाज हम फिर से बनाएंगे, ये वन हो गया मेरा, टू थ्री एंड फोर डबल क्रोशियाज बनाने के बाद जो है हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे की तरफ जो ये हमारे डबल क्रोशियाज हैं इनमें सब में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हम नीचे की तरफ जाएंगे। देखिए हम लास्ट वाले में आ गए, यहाँ पर आकर भी एक सिंगल क्रोशिया बनाया और जहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया था लास्ट वाला इसमें भी हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना देना है। तो ये हमारी जो सेकंड बर्ड थी ये भी बनकर रेडी हो गई है। तो ये बर्ड्स कुछ इस तरह से दिख रही हैं देखिए, और इसी तरह से बर्ड्स बनाते हुए हम अपना ये वाला राउंड कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये जो लास्ट वाला राउंड था जो ये मैंने बर्ड्स बनाए थे ये बनकर कंप्लीट हो गए हैं। देखिए ये स्पैरोज़ मैंने बनाए हैं, ठाकुर जी को स्पैरोज़ अपने पास बर्ड्स बहुत अच्छे लगते थे तो ये मैंने अपनी ड्रेस में उसे स्पैरो का लुक दिया है। और मेरे पास ब्लैक कलर के स्टोन्स थे जिसकी मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं फैब्रिक ग्लू से, तो ये आइज बन गई हैं। और मैंने यहाँ पर ये पेस्टिंग स्टोन्स जो हैं वो लगाए हैं और बॉर्डर बना लिया है फिरोजी कलर से, जो मैंने अपने आपको मैंने अपनी पिछली ड्रेसेस में भी बताया हुआ है कि बॉर्डर कैसे बनाना है। तो ये ड्रेस मेरी बिल्कुल बनकर कंप्लीट है और बहुत ही इजी ड्रेस है ये बनाने में। अभी ये ड्रेस आज मेरी कंप्लीट हुई है। आप ये ड्रेस बनाएं अपने ठाकुर जी के लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी सुंदर सुंदर ड्रेसेस की वीडियोस आपके पास जा सकें सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगी एक न्यू ड्रेस, एक न्यू सुंदर सी ड्रेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।